हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप सबको पता है, ठंड का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और जो गर्मियों में मैंने पौधे लगा रखे थे वो धीरे धीरे ख़राब हो चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो कद्दू का पौधा लगाया था मैंने, ये ख़राब हो चुका है। इसमें अब जान नहीं बचा है, पर फिर भी थोड़े थोड़े टाइम के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है। इसका जड़ देख सकते हैं कितना ये सूख चुका है इसका जड़, पर फिर भी इसमें अभी ताज़ा पत्ते आ रहे हैं, तो मैंने इसे छोड़ दिया है। देखते हैं अगर ये वापस से रिपेयर हो जाए और वापस से ठीक हो जाए तो। दूसरा, ये बैंगन का पौधा, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कितने सारे बैंगन निकाले हैं। तो बैंगन जो है वो ऑल सीज़न होता है, तो आप देख सकते हो ये अभी भी फ्रूटिंग दे रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये कद्दू का जो पौधा लगा हुआ है ये पूरी तरीके से सूख चुका है। इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बचा है। थोड़ा सा भी जान होता तो मैं इसे छोड़ देती देखने के लिए, क्या पता ही वापस से उग जाए, पर क्योंकि ये पूरी तरीके से सूख चुका है तो मैं इसे निकाल दूँगी और इसकी जगह पे मैं गमले में कोई और पौधा यूज़ करूँगी। पर आप जब भी कोई पौधा निकालते हैं तो साथ के साथ आप ऐसे ही उसमें नया पौधा ना लगाएं, पहले मिट्टी को हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि जितने भी मिट्टी के न्यूट्रिशन थे वो सारे के सारे पुराने पौधे खा चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पौधे अच्छे से गुड़ाई करनी है और इसे सूखने के लिए एक दो दिन के लिए छोड़ देना है। धूप लगेगा तो इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे नीम खली, कोकोपीट और थोड़ा सा गोबर का खाद उसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से मिट्टी के अंदर फिर से न्यूट्रिशन डाल देंगे और ये फिर से कोई भी नया पौधा लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे हम दो तीन दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं और फिर जब मैं इसमें वापस से रिपोर्टिंग करूँगी तब आपको दिखाऊँगी मैं। तो आप देख सकते हैं ये जो वाइट बैंगन है, इस बहुत ही अच्छे ब्रीड का जो सीड था वो मैंने यूज़ किया था और करीबन 6 महीने से ऊपर हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रूटिंग दे रहा है और हर 2-3 दिन के बाद बहुत सारे बैंगन ये ज़रूर दे देता है। और इसके अंदर तो कीड़े भी नहीं लगते हैं, ना मैं इसमें ज़्यादा खाद यूज़ करती हूँ, फिर भी ये बहुत ज़्यादा बैंगन देते हैं। ये थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है पर फिर भी ये अंदर से ठीक रहेगा, इसके अंदर कीड़े नहीं लगे होंगे। दूसरा, ये पर्पल कलर का बैंगन मैंने लगाया था, आप ये देख सकते हैं इसमें भी अभी वापस से फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है। फ्लावर के बाद ये और भी बैंगन देगा, ये देख सकते हैं आप कितने सारे बैंगन। और इस पॉट का साइज़ देखिए, ये सिर्फ एक छोटा सा शायद 6 इंच का पॉट है जिसके अंदर ये बैंगन दे रहा है और ये देखिए फ्रूट भी आ चुका है इसके अंदर। बैंगन जो है वो ऑल सीज़न फ्रूट देता है, कुछ टाइम के लिए ये बीच में ज़रूर सूख जाता है, तो आपने घबरा करके उसे निकालना नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। कुछ टाइम के बाद ये खुद से रिपेयर हो करके और फिर से बैंगन देना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए पर्पल कलर में लंबे वाला बैंगन है और ये भी देखिए इसके अंदर कोई भी कीड़ा नहीं लगा हुआ है। तो ठंड का सीज़न है फिर भी बैंगन अभी भी दे रहा है फ्रूटिंग। चलिए आइए मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सारे बैंगन लग गए हुए हैं। नेक्स्ट मैंने समर के सीज़न में भिंडी लगाया था जो अब पूरी तरीके से सूख चुका है, आपको शायद मेरे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप वो पिछले वीडियो में जाकर के ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। और ये भिंडी जो है ये पूरी तरीके से सूख चुका है। कुछ पौधे तो मैंने निकाल दिए हैं भिंडी के, कुछ को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि इसके अंदर अभी भिंडी लगा हुआ है और इसको सूखने के लिए मैंने छोड़ दिया है। ये जब सूख जाएगा तो इसके अंदर के जो बीज होंगे वो मैं निकाल के रख दूँगी। और ये अच्छी ब्रीड की भिंडी मैंने लगाई थी तो इसे मैं सुखा करके इसको मैं समर में वापस से रीप्लांट करने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे विंटर आता है भिंडी के अंदर कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब भिंडी सूख जाएगा अच्छी तरीके से तो इसे मैं निकाल दूँगी। समर देखिए दोस्तों, समर में जो भी मैंने पौधे लगाए थे वो सारे सूख गए हैं और पॉट सारे के सारे खाली हो चुके हैं। तो पॉट के अंदर मैंने कुछ कुछ बीज लगा दिए हैं, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर मैंने लोबिया लगाया है। लोबिया जो है वो ठंड की सीज़न में उगता है, तो ये जब उग जाएगा और इसके अंदर से जब लोबिया निकलने लगेंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और ये एक और भिंडी का पौधा है जो सूख चुका है। ये अरबी के पत्ते लगाए थे मैंने, ये थोड़े सूख जाते हैं बीच में पर फिर से ये रिपेयर हो जाते हैं वापस से। और ये कड़ी पत्ता मैंने लगाया था जो ख़राब हो चुका था, पर अब धीरे धीरे इसमें वापस से नए पत्ते आने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, अरबी का जो पौधा है इसके अंदर छोटे छोटे और भी अरबी के पौधे निकल रहे हैं। अब एक अरबी का पौधा लगाओगे उसके अंदर से मल्टीपल अरबी के पौधे ऑटोमेटिकली निकलने लगते हैं, तो आप चाहे तो इसे अलग अलग पॉट में शिफ्ट भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये बीन्स का पौधा मैंने लगाया है, ठंड के सीज़न में बीन्स ज़रूर उगता है, तो इस तरीके से आप इसे पहले छोटे से पॉट में लगा लें और फिर धीरे धीरे इसे करके इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे हम। वैसे तो भिंडी का सीज़न है नहीं, पर कुछ पौधे में अभी भी फ्रेश भिंडी निकल के आ रही है, जैसे कि आप ये वाला पौधा देख सकते हैं, तो इसे मैंने निकाला नहीं है अभी तक।
और ये देखिए दोस्तों, मैंने अजवाइन का जो पौधा लगाया था ये भी सूखना शुरू हो चुके हैं। कुछ टाइम के लिए खुद से सूखते हैं, खुद से रिपेयर भी हो जाते हैं, तो इसे मैं निकालने वाली नहीं हूँ। और इसके अंदर देखिए, ये बीन्स का पौधा है जो थोड़ा सा सूख चुका है, इसके अंदर जो बीज है वो मैं निकाल के इसे किसी पॉट में डाल दूँगी, और फिर जब उसके अंदर से जब पौधा निकल आएगा फिर मैं इसे किसी और पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये 3 से 4 दिन के अंदर इसके अंदर से जो है नया पौधा जो है वो निकल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे रिपॉटिंग करते हैं। किसी भी पॉट के अंदर एक छोटा सा गड्ढा बना देंगे करीब 1 इंच का, और उसके अंदर इस बीज को हम डाल देंगे इस तरीके से, और इसे ढक देंगे इस तरीके से। सारे के सारे बीज जो है हम एक एक करके मिट्टी के अंदर दबा देंगे। अब इस पे हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे छोड़ देंगे, और 3 से 4 दिन के अंदर इसके अंदर से नए पौधे निकल आएंगे। एक दूसरा पौधा जो ठंड के सीज़न में निकलता है वो है मटर। तो ये मटर के दाने हैं, वैसे तो हरे रंग के होते हैं पर इसके ऊपर कोटिंग लगा हुआ है इसलिए रेड कलर का दिख रहा है। और जैसे हमने बीन्स का पौधा लगाया था उसी तरीके से हमने मटर के दाने भी लगाने हैं। 1 इंच का गड्ढा करके मटर के दाने को उसके अंदर हम दबा देंगे, तो हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे भी हम इस तरीके से छोड़ देंगे। बीन्स का पौधा जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर निकल आता है, पर मटर को निकलने के लिए करीब 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, तो इसका पौधा निकलने के लिए हमें वेट करना होगा। पर ये देखिए, ये बीन्स का जो पौधा है ये निकल चुका है, ये करीबन 15 दिन का पौधा होगा। और आप जो भी पौधा लगाएं उसे धूप में ही रहने दें, और विंटर का सीज़न है तो कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों, विंटर के सीज़न में लाल साग बहुत ही अच्छी तरीके से निकलता है, तो मैंने ये लाल साग उगाया है छोटे से पॉट में, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जब थोड़े से बड़े होंगे तो हम इसे जड़ से नहीं काटेंगे, बस ऊपर ऊपर से इसके पत्ते निकाल के इसकी साग बना लेंगे। नेक्स्ट फसल जो विंटर के सीज़न में हम बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं वो है काला सरसों। ये काले सरसों का पौधा है, इसे भी मैंने करीबन 2 हफ्ते पहले लगाया था, थोड़े थोड़े से बड़े हो चुके हैं, इसे भी ऊपर ऊपर से काट के इसका साग भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लगाया था ये गोभी, ये एक चाइनीज़ गोभी है, और इसके अंदर से आप देख सकते हो गोभी निकलने वाला है करीबन 1 से 2 हफ्ते के अंदर, इसके अंदर से गोभी जो है वो निकल जाएगा। और इसे मैंने थोड़ा विंटर से पहले लगाया था, पर सीज़न नहीं था तो ये अब जा करके इसके अंदर से ये इतना बड़ा, तो अब जा करके ये इतना बड़ा हो चुका है, तो ये भी जब उग जाएगा तो मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगी। नेक्स्ट ये विंटर सीज़न में आप लगा सकते हो मेथी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से उग जाएगा। विंटर में ही नहीं, आप चाहे तो समर सीज़न या किसी भी सीज़न में मेथी जो है वो लगा सकते हो। और आलू मेथी खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो हाँ, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इन सब्ज़ी से किस तरीके से हम बहुत ही टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी बना सकते हैं, अगर वो आपको जानना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो कि क्रेविंग बस्टर के नाम से है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप लोगों को चैनल देखना हो तो आप उसे जा करके ज़रूर पसंद करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।